फ्रेंड्स, आई एम राहुल भटनागर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर डूइंग वेल, स्टडिंग वेल। आज के इस वीडियो में हम ओपनिंग एंट्री और क्लोजिंग एंट्री, जो हम इसकी जनरल एंट्री बनाते हैं, उसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ओपनिंग एंट्री किन आइटम्स की जाती है और क्लोजिंग एंट्री किन आइटम्स की जाती है। सबसे पहले हम ओपनिंग एंट्री को लेकर चलेंगे। स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल ईयर की फर्स्ट डेट पे, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर करंट फाइनेंशियल ईयर 2020-21 है, तो इस फाइनेंशियल ईयर का फर्स्ट डे कौन सा हो गया? फर्स्ट अप्रैल हो गया। फर्स्ट अप्रैल 2020 इज़ द फर्स्ट डेट ऑफ दिस करंट फाइनेंशियल ईयर। इस डेट पे हम पिछले फाइनेंशियल ईयर की कुछ बैलेंसेस को ट्रांसफ़र करते हैं। पिछला फाइनेंशियल ईयर कौन सा था? 2019-20। इसमें 31 मार्च 2020 के जो बैलेंसेस होंगे, हम वो 1 अप्रैल 2020 में पास करेंगे। और वो कौन से बैलेंसेस को हम पास करेंगे? हम सिर्फ से बैलेंस शीट आइटम्स को पास करेंगे। ओनली बैलेंस शीट आइटम्स मींस लायबिलिटी, कैपिटल एंड ऑल एसेट्स। ये बैलेंसेस जो 31 मार्च 2020 के हैं, वो हम 1 अप्रैल की डेट में ओपनिंग बैलेंसेस हमारे बन जाएंगे। इट मीन्स ओपनिंग एंट्री क्या हुई? ओपनिंग एंट्री इज़ द फर्स्ट जर्नल एंट्री विच रिकॉर्ड्स द बैलेंसेज, क्लोजिंग बैलेंसेज ऑफ द प्रीवियस ईयर। ओपनिंग एंट्री इज पास्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टू रिकॉर्ड द बैलेंसेज ऑफ एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल ऑफ द प्रीवियस ईयर। इसके अलावा एक्सपेंसेस या रिवेन्यूज आइटम्स को हम ओपनिंग एंट्री नहीं बनाएंगे, क्योंकि उनकी हम एंट्री ऑलरेडी ट्रांसफ़र कर चुके होते हैं P&L अकाउंट में या ट्रेडिंग अकाउंट में। इसको हम अभी बाद में समझेंगे, जब हम क्लोजिंग एंट्री करेंगे तब हम उसको समझेंगे। अभी आप ये समझिए कि ओपनिंग एंट्रीज़ में एसेट्स, लायबिलिटीज़ और कैपिटल आइटम्स ही आएंगे। अब हम एक एग्ज़ाम्पल की तरफ चलते हैं। उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एसेट्स है, लायबिलिटी है या कैपिटल है, तो उसकी हमने ओपनिंग एंट्री बनानी है। एसेट्स क्योंकि रियल अकाउंट है, ये सारे इनके बैलेंसेस डेबिट बैलेंस होते हैं, जैसे कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, ये सब डेबिट बैलेंस होंगे। फर्नीचर है, मशीन है, लैंड एंड बिल्डिंग है, सबके डेबिट बैलेंसेस हैं। और लायबिलिटीज़ के सबके क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं। तो हम एसेट्स को डेबिट साइड कर देंगे और लायबिलिटीज़ को क्रेडिट में कर देंगे, तो हमारा ये एसेट्स और लायबिलिटीज़ इक्वल आना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए आप लेजर बैलेंसेस एज ऑन 31 मार्च 2020। आपको इनकेस ये दिया हुआ है, बिल्डिंग 5 लाख, फर्नीचर 2 लाख, डेटर्स 1 लाख, क्रेडिटर्स 80,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 40,000, कैश 50,000, कैपिटल 7,30,000। अब आपको एक ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन से एसेट्स आइटम है। एसेट्स आइटम को डेबिट कर दीजिए और लायबिलिटीज़ आइटम को क्रेडिट कर दीजिए। अब देखिए, हमने इसकी जर्नल एंट्री बनानी है। जर्नल एंट्री बनाएंगे तो हम पहले क्या फॉर्मेट होता है जर्नल एंट्री का? डेट होता है, फिर आ गया पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, और फिर आपका डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, यही फॉर्मेट है जनरल एंट्रीज के लिए। अब ये है लेजर बैलेंसेस एज ऑन 31 मार्च। तो हमने कौन सी डेट में अब ओपनिंग एंट्री बनेगी हमारी? 1 अप्रैल 2020, इस डेट में बनेगी। हम डेबिट किस किस को करेंगे? बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर्स, इनको लिख लेते हैं। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, सारे एसेट्स आइटम है ना ये, डेटर्स अकाउंट डेबिट, और देखिए क्या है, ये हमने कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये हमारा लायबिलिटी आइटम है क्रेडिटर्स, ये भी हमारा लायबिलिटी आइटम है कैश, कैश है हमारा, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा अलग अलग, 50,000 का कैश है। इसके बाद आ गया कैपिटल। अब आप इनके अमाउंट लिख दीजिए, 55 लाख, 2 लाख, 1 लाख एंड 50,000। ठीक है, 5, 6, 7, 8 लाख 50,000। अब 8 लाख 50,000 ही हमारा क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए। अब हम क्रेडिट करेंगे टू कैपिटल अकाउंट,
टू बैंक ओवरड्राफ्ट, एंड क्रेडिटर्स। कैपिटल कितना है? 7,30,000। क्रेडिटर्स 80 और बैंक ओवरड्राफ्ट 40। बैंक ओवरड्राफ्ट 40 और क्रेडिटर्स 80। अब इनका आप टोटल करेंगे 770 और 80,000, 8,50,000 और 8,50,000। ये हमारी ओपनिंग जनरल एंट्री बनी। अब इन्हीं बैलेंसेस को वो आपको बैलेंस शीट की फॉर्म में भी दे सकते हैं, और फिर ये कहा जा सकता है कि पास है ओपनिंग एंट्री। बैलेंस शीट की फॉर्म में अगर दिया उन्होंने बैलेंस शीट, ये साइड एसेट्स और लाइबिलिटीज, इसमें देखिए एसेट्स में हमने क्या क्या लिखेंगे, ये बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर्स, कैश, यही आएगा। ये सारे बैलेंस शीट आइटम्स हैं। बैलेंस शीट्स में यहाँ आपके पास आ गया 5 लैक्स, 2 लैक्स, 1 लैक और 50,000। टोटल आ गया 8,50,000। और यहाँ पे कैपिटल, बैंक ओवरड्राफ्ट और थर्ड वन इज क्रेडिटर्स। कितना है कैपिटल? 7,30,000। देन बैंक ओवरड्राफ्ट 40,000 और क्रेडिटर्स हैं 80,000। 8,50,000। आपको ये भी दिया जा सकता है कि प्रिपेयर ए ओपनिंग एंट्री ऑफ दिस बैलेंस शीट। तो आपको बैलेंस शीट के फॉर्म में दे दें, तब आपने ऐसी एंट्री बना देनी है। इन केस आपको बैलेंस शीट की फॉर्म में नहीं देते हैं, तब भी आप आराम से बना लेंगे। सिर्फ से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एसेट्स आइटम है, कौन सा लाइबिलिटी आइटम है। स्टूडेंट, समटाइम क्या होता है, हमारे को ये कैपिटल दी हुई नहीं होती है। ये कैपिटल दी नहीं होगी आपको, ये सारी फिगर्स दे दी होंगी, कैपिटल नहीं देंगे, कैपिटल को नहीं दिया हुआ होगा। तो आपने क्या करना है, ये सारा डेटा डेबिट आइटम्स को टोटल करना है और इन टोटल से माइनस कर देना है। इट मीन्स कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस में लाइबिलिटीज़। आप सारी एसेट्स में से जो लाइबिलिटीज़ हैं इनको माइनस कर दोगे तो कैपिटल आ जाएगा। ये अक्सर ऐसा होता है कि कैपिटल नहीं दी हुई होती है, तब आप इस तरह से बैलेंस निकाल सकते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स ओपनिंग एंट्री। अब हम क्लोजिंग एंट्री को समझेंगे। मैं इसको अभी रब करता हूँ और क्लोजिंग एंट्री की ट्रांजेक्शन्स लेके आपके पास आता हूँ। स्टूडेंट्स वेलकम बैक। स्टूडेंट्स अब हम समझेंगे क्लोजिंग एंट्री को, क्लोजिंग एंट्री का मतलब समझते हैं और क्लोजिंग एंट्री में क्या क्या हम इंक्लूड करते हैं हम इसको समझेंगे। क्लोजिंग एंट्री जैसे कि नाम से ही आपको पता लग रहा है, हमारे फाइनेंशियल ईयर के क्लोज पे, जो भी हमारा फाइनेंशियल ईयर है, फॉर एग्जांपल अगर हमारा फाइनेंशियल ईयर 2019-20 है, तो क्लोजिंग एंट्री हमारी किस डेट को पास होगी? 31 मार्च 2020। और ओपनिंग एंट्री कब होती थी? 1 अप्रैल 2020। तो ये क्लोजिंग एंट्री हमारी पास होगी 2020 की। इस एंट्री के अंदर हम जितने भी एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस और रिवेन्यू को हम ट्रांसफ़र करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसमें बैलेंस शीट आइटम्स एक भी नहीं मिलेगा आपको, इसमें सारे आपको मिलेंगे नॉमिनल अकाउंट्स के आइटम्स। नॉमिनल अकाउंट्स जिसमें एक्सपेंसेस भी होते हैं और रिवेन्यू भी होता है। इसको हम एग्जांपल लेके समझेंगे। पहले आप क्लोजिंग एंट्री का और अच्छे से मतलब समझ लीजिए। क्लोजिंग एंट्रीज आर पास्ड एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टू क्लोज द अकाउंट्स रिलेटेड टू एक्सपेंसेस एंड रिवेन्यू नेचर ओनली बाय ट्रांसफरिंग देम टू ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। यहाँ पे जितने भी एक्सपेंसेस या रिवेन्यू हैं उनको हम क्लोज कर देंगे और क्लोज करके हम ट्रांसफ़र करेंगे या तो ट्रेडिंग अकाउंट में या P&L अकाउंट में।
एग्जाम्पल शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूँ। वैसे तो चैप्टर आपका ये बहुत आगे जाके है फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला, हम उसको बाद में समझेंगे डिटेल में। अभी मैं थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल दे दूँ कि ट्रेडिंग अकाउंट्स में कौन कौन से आइटम्स आते हैं और P&L अकाउंट में कौन कौन से एक्सपेंसेस या रिवेन्यू आइटम्स आते हैं। तो आप सबसे पहले समझिए कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता है। हमारा ट्रेडिंग अकाउंट होता है परचेजेस और सेलिंग्स को लेकर। जो भी हमारी परचेजेस हैं या सेल्स है उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में इनकॉर्पोरेट करते हैं। डेबिट साइड में परचेजेस, क्रेडिट साइड में सेल्स, और इसके अलावा हमारा अगर स्टॉक का कोई ओपनिंग बैलेंस है तो वो भी हमारा आएगा डेबिट साइड में, और क्लोजिंग बैलेंस आएगा क्रेडिट साइड में। इट मींस हमारा यहाँ पे क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस प्लस इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मींस एक्सपेंसेस विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर। जो हमारे परचेजेस से रिलेटेड है, जो हमारे प्रोडक्शन से रिलेटेड हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस उनको बोलते हैं। तो वो एक्सपेंसेस भी यहाँ पे आएंगे। वो एक्सपेंसेस होते हैं जैसे आपने फ्रेट इनवर्ड, वेजेस, जो हमारे प्रोडक्शन से या परचेजेस से रिलेटेड है। इसके अलावा यहाँ पे सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। इसी तरह P&L अकाउंट में आप देखेंगे, P&L अकाउंट, इसके अंदर हमारे डेबिट साइड में ऑल एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंसेस प्रोडक्शन से या परचेजेस से रिलेटेड नहीं है, वो सारे एक्सपेंसेस आएंगे यहाँ पे डेबिट में। और हम क्रेडिट किसको करेंगे, हम क्रेडिट करेंगे रेवेन्यू आइटम्स को। मान लीजिए आपने इंटरेस्ट रिसीव किया है या डिस्काउंट रिसीव हुआ है, तो सब हमारा क्रेडिट में आएगा। और जितने भी अदर एक्सपेंसेस हैं, सैलरीज है, रेंट है, इंश्योरेंस है, ऑल अदर एक्सपेंसेस विल बी डेबिटेड। ये मैं ब्रीफ में आपको समझा रहा हूँ ट्रेडिंग और P&L अकाउंट। डिटेल में हम इसको समझेंगे जब हम बनाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर, हम करेंगे लास्ट में है ये बिल्कुल आपके। अभी हम एक इलस्ट्रेशंस को समझते हैं। इसमें हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन से आइटम्स हमारे ट्रेडिंग अकाउंट्स के हैं और कौन से हमारे P&L अकाउंट के हैं, कौन सा हमारे डेबिट साइड के हैं, कौन से क्रेडिट साइड के हैं। तो मैं भी इसको रब करता हूँ। स्टूडेंट्स, ये कुछ लेजर बैलेंसेस दिए हुए हैं इज ऑफ 31 मार्च 2020 के, हमारे ये बैलेंसेस हैं लेजर बैलेंसेस। अब हमने इन बैलेंसेस, इन अकाउंट्स को क्लोज करके ट्रेडिंग अकाउंट या P&L अकाउंट में लेके जाना है थ्रू जनरल एंट्री। तो आप ओपनिंग स्टॉक हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट में हमारा कौन कौन सा जाएगा, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, सेल्स, कैरिज इनवर्ड। कैरिज इनवर्ड मतलब जो आपका फैक्ट्री में या वर्कशॉप में या गोडाउन में सामान आया है उसका आपने कोई ट्रांसपोर्टेशन दिया है तो वो कैरिज इनवर्ड है, या फ्रेट इनवर्ड भी इसको बोल सकते हैं। जो इनवर्ड वर्ड आ जाए तो इसका मतलब ये आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस फिर ट्रेडिंग अकाउंट में, तो ट्रेडिंग अकाउंट में हमारा ये भी जाएगा। ये P&L में ये सारे P&L के अंदर हैं, और ये क्लोजिंग स्टॉक हमारा ट्रेडिंग में है। अब देखिए, ट्रेडिंग में हमने ओपनिंग स्टॉक को अगर क्लोज करना, ओपनिंग स्टॉक हमारा जो है एसेट्स आइटम है, ये हमारा एसेट्स आइटम है, ये भी एसेट्स आइटम है। जो हमारे एसेट्स आइटम है हम उनको, जो डेबिट बैलेंस होता है हम उसको अब क्लोज करेंगे और ट्रांसफ़र कहाँ करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ट्रेडिंग अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और इनको क्लोज करके, हम इनके डेबिट बैलेंस को क्लोज करके क्रेडिट में दिखाएंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू, पहली एंट्री क्या बनेगी, ओपनिंग स्टॉक, कितने का है, 20,000। देन परचेजेस टू परचेज अकाउंट, 60,000। अभी हम सिर्फ से उन आइटम्स को लेंगे जो हमने क्रेडिट करने हैं। सेल्स हमारा डेबिट होगा क्योंकि ऑलरेडी ये क्रेडिट आइटम्स है। कैरिज इनवर्ड ये एक्सपेंस आइटम है हमारा, कैरिज इनवर्ड 4,000। डेट्स ऑल, ठीक है। ये आइटम्स हमारे डेबिट बैलेंस जिनके आते हैं उनको अब हम क्लोज करके
हम ले जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट को, हम कर देंगे 20,84,000 इन सब का टोटल। तो हमारी एक एंट्री हमारी हो गई, ये फर्स्ट एंट्री। अब सेकंड एंट्री बनाएंगे हम। सेकंड एंट्री में हम ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और ट्रेडिंग और जो सेल्स है हमारा, रिवेन्यू आइटम्स हैं, इसको हम डेबिट करेंगे। सेल्स सेल्स अकाउंट डेबिट, सेल्स हमारा रिवेन्यू आइटम था, इसका बैलेंसेस क्या होते हैं, क्रेडिट बैलेंस होते हैं। जब हम इसको क्लोज करेंगे तो हम उसको डेबिट साइड में लाएंगे ना, तो सेल्स अकाउंट डेबिट 88,000, देन क्लोजिंग स्टॉक, फोर्टी थाउजेंड। तो ये हमने कर दिया 1,28,000 से टू ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? तो हमने अभी दो एंट्रीज बना ली हैं, क्लोजिंग एंट्रीज बोलते हैं इनको। इसके अलावा और जो एंट्री बनेगी वो मैं यहाँ लिखता हूँ, अभी इसको मुझे रब करना पड़ेगा। अब स्टूडेंट्स, इनमें से आप एक्सपेंसेस जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं उनको सेलेक्ट करिए, वो डेबिट बैलेंस होगा उसको हम क्रेडिट में करेंगे और पी एंड एल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। अब थर्ड ट्रांजैक्शंस क्या है हमारी, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू हमारे एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं, एक तो ये हमने कर लिया सैलरीज 16,000, कैरिज आउटवर्ड, कैरिज आउटवर्ड 2,500, टू रेंट 3,000, टू इंश्योरेंस 1,000, डिस्काउंट अलाउड। देखिए डिस्काउंट हमने अलाउ किया है किसी को, तो हमारे लिए एक्सपेंस था ये, तो एक्सपेंस था, डेबिट बैलेंस था। अब हम इसे क्लोज कर रहे हैं, अकाउंट क्लोज कर रहे हैं, तो ये अब हमारे को क्रेडिट कर देंगे, हम पी एंड एल अकाउंट को डेबिट करेंगे। टू डिस्काउंट अलाउड 2,000, इंटरेस्ट क्रेडिट और इंटरेस्ट डेबिट, इंटरेस्ट डेबिट मतलब हमने इंटरेस्ट दिया है 1,000 रुपीज, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट बैलेंस है 1,000। अब इन सब का टोटल हमारा पी एंड एल अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। अब हम इनका टोटल कर लेते हैं स्टूडेंट्स, 16,000 प्लस में 2,500 प्लस में 3,4,5,6 और एक 7,000, 25,500 हमने पी एंड एल अकाउंट को डेबिट कर दिया। अब हमने सेकंड एंट्री एक और बनानी है कि पी एंड एल अकाउंट को क्रेडिट किस किस पर करना है। क्रेडिट हम करेंगे जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड है, डिस्काउंट रिसीव्ड है, इसको हम क्रेडिट करेंगे। हमारा क्रेडिट बैलेंस किसका था, ये वाला तो हम ले चुके ना, क्रेडिट बैलेंस इंटरेस्ट रिसीव था, इंटरेस्ट रिसीव्ड क्रेडिट बैलेंस है ना, तो रिसीव्ड है इसका मतलब कितना 1,800 रुपीज़। इसके अलावा और क्या है हमारा क्रेडिट बैलेंस, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड 1,000। इन दोनों को अब इनको हम क्या करेंगे, पी एंड एल अकाउंट में हम इनको ट्रांसफ़र कर देंगे, क्रेडिट करेंगे पी एंड एल अकाउंट 2,800 से। बस हमारी ये इन ट्रांजैक्शंस की ये चार जनरल एंट्रीज बनी, इनको बोलते हैं क्लोजिंग एंट्रीज। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा ओपनिंग एंट्रीज किन की होती है। दोबारा से एक समराइज कर लेते हैं, ओपनिंग एंट्री होती है हमारे बैलेंस शीट आइटम्स की, लायबिलिटीज, एसेट्स, कैपिटल, और क्लोजिंग एंट्री होती है हमारे नॉमिनल अकाउंट्स में जो आता है हमारे एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज, उनकी हमारी क्लोजिंग एंट्री होती है। उसमें हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन से आइटम्स हमारे ट्रेडिंग अकाउंट को बिलोंग करते हैं और कौन से आइटम्स हमारे पी एंड एल अकाउंट को बिलोंग करते हैं।
और अगर डेबिट बैलेंस है तो वो उसको हम क्लोज करेंगे तो क्रेडिट साइड में ले जाएंगे, और अगर क्रेडिट बैलेंस है उसको हम ईयर एंड में क्लोज करेंगे तो हम उसको डेबिट साइड में ले जाएंगे। अब आज के इस वीडियो में इतना ही है, नए वीडियो में अब हम एक नया चैप्टर लेके आएंगे जिसका नाम है ट्रायल बैलेंस। तो ठीक है, फिर हम मिलते हैं नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।